यहाँ जो ट्रैफिक के इंतजाम आते हैं, यहाँ कितने जवान हैं वो तैनात आपने किए हुए हैं, ट्रैफिक का जो फ्लो है वो कैसा है? यहाँ पे 3 DSP हैं, 3 इंस्पेक्टर हैं और कोई 23 अपर सबॉर्डिनेट हैं और 106 कांस्टेबल हैं जो हमारे जवानों के साथ काम कर रहे हैं और 2 शिफ्टों में 12-12 घंटे के लिए। तो जो इंतजाम आप अभी भी देख रहे हैं कि यहाँ पर इंशाल्लाह ट्रैफिक ब्लॉक नहीं हमने होने दी, जो सुनते हैं पिछले हर साल हमेशा यहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक होती थी, उन्होंने भी मेहनत की। इस दफ़ा जैसे मेहनत हो रही है हमारे DPO साहब की हुकूमत, IG साहब पंजाब, और जैसे इन लोगों ने मेहरबानी भी किया है यहाँ के जो मुतलका लोग हैं कि ये जो पुल भी बड़ा किया है, यहाँ छोटा पहले ये पॉइंट था जिस वजह ट्रैफिक का फ्लो ज़्यादा होने से ट्रैफिक जैम होती थी। और पार्किंग के लिए हमने 2 हफ्ते पहले ही इनसे मीटिंग की थी हमारे DPO साहब ने, RPO साहब ने और जो मुतलका DCO साहब हैं। तो इंतजाम के मतलब जितनी बेहतरी हमारी पोजीशन है वो हम कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर कि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ये एक इबादतगाह है, लोग यहाँ पे पैदल भी आ रहे हैं, पता नहीं कितने कितनी दूर से, कोई एक एक हफ्ते से चले हुए शायद, और ट्रांसपोर्ट पे तो बड़ा होता है, छोटी बड़ी ट्रांसपोर्ट आप देख रहे हैं कि चल रही है, कहीं खड़ी नहीं हो रही फ्लो इंशाल्लाह ताला इसका। अच्छा खान साहब, ये बताया कि ये क्योंकि एक बैन अल-अक़वामी किस्म का मेला है, जी यहाँ जो ज़ायरीन है वो पैदल भी आते हैं, साइकिलों में भी आते हैं, जी भी आते हैं, जी तो सड़क के बीच में ट्रैफिक लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, जी जी आप समझ रहे हैं कि वो ज़ायरीन आपसे तावन करते हैं या नहीं? वो करते हैं, नहीं नहीं देखें, हम उन्हें जब बताते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं तो वो लोग साइड भी हो जाते हैं, जो पैदल आ रहे हैं वो भी अक्सर लोग जो है ना रास्ते में स्टे करते हुए बैठ जाते हैं किसी ना किसी पॉइंट पे। तो हमारी जो मेन रोड है ये फरुखाबाद वगैरह, ये खानका डोगरा, वो हमारी वहाँ पे तमाम गाड़ी मोबाइल हालत में हैं, जो फील्ड के अफसर हैं वो वहाँ पे मोबाइल कर रहे हैं, और जो हमारे ट्रैफिक वाले फ्लो हैं वो भी 3-4 अफसर लगे हुए हैं हर पॉइंट पे। वहाँ पे एक ये बर्फ़ लेके आ रहा था और उसको वो गाड़ी उसकी ख़राब हुई थी, वो इधर खड़ा था ना? हाँ जी वो, हाँ जी, लेकिन ये हुआ है इधर अड्डा वर्कशॉप के बिल्कुल साथ है। अच्छा जी, और ये मोटरसाइकिल बड़ा चीज है, लाजमी बात है, जो मोटरसाइकिल लेके जा रहा है उसे अपने स्पीड से चलनी है, अवेयरनेस नहीं है असल में। हम लोग जो ट्रैफिक अवेयरनेस के सिलसिले में जितने हमारे स्कूल कॉलेज हैं बच्चों को बताते हैं कि हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल ना चलाएं, लाइसेंस के बगैर ना चलाएं, ओवर स्पीड ना करें इसको। सर ये आप बता रहे हैं कि यहाँ 3 जो DSP हैं उनके अंडर जो वो सारा ट्रैफिक का इंतजाम जो है वो संभाला जा रहा है, जी जी, इनको हेड कौन कर रहा है? इनको हेड हमारे DPO साहब कर रहे हैं, सरफराज वर्क साहब। एक शिफ्ट में आप 2 जो है DSP वो? हाँ जी, लेकिन मेरी सुपरविजन, मैं DSP ट्रैफिक शेखपुरा में हूँ, यहाँ पे मंडी बहुद्दीन से तशरीफ लाए हैं DSP साहब और ननकाना साहब से। अभी जो शिफ्ट चल रही है सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक वो चल रहे हैं ननकाना वाले, अब उसके बाद आएंगे 8 बजे से सुबह 8 बजे तक वो मंडी बहुत, तो मैं चलूँगा साथ उनके। ये जो पंजाब पुलिस है वो तो 8-8 घंटों की 3 शिफ्टों में काम कर रही है, जी हम 12 घंटे समझ में किया, जो हमारे ट्रैफिक वाले भाई हैं उनको ज्यादा है 4 घंटे लग कर जो काम ले जाए, देखिए 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं 12 घंटे तो असल में हमारे पास इतना स्टाफ भी नहीं है ट्रैफिक की। जो बात है लाहौर एक चूँकि बड़ा ज़िला है, शेखपुरा यहाँ से ननकाना, ये साहिवाल, ये है हाफजाबाद और मंडी बहुद्दीन, 4-5 जिले हैं जहाँ से हमारी नफरी यहाँ पे आई है, कसूर से आई है नफरी। तो जितनी चीज़ें हमने डिमांड की है वो मिली है, तो इंशाल्लाह फर्क अच्छा होगा, अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा।